अच्छा इंडिया के लिए कोई दो लफ्ज बस जो जितना उड़ लेते वो इंडिया तो बहुत गंदी तरह से हारे चारे बस हार गया इंडिया के लिए दो लफ्ज जो आप कहना चाहते हैं इंडिया हाय हाय मौका जिसने हमें नीचे आया दिखाया और वो खुद नीचे गिर गया क्या बात है गरूर करते हैं गरूर नहीं करना चाहिए बहुत अच्छा खेले लेकिन हार गए पाकिस्तान को निकालना चाहते थे अभी खुद निकल गए इंडिया हार गया मुझे बहुत खुशी हुई ये तुम्हारी भूल है कि पाकिस्तान किसी भी मैदान में हार सकता है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मौजूद हूँ यहाँ पर एक खूबसूरत सी जगह है मौजूद हूँ यहाँ इनके साथ और पूछना ये है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल में कौन सी वो टीम है जो जीतेगी और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है आइए जानते हैं देखते हैं कि आवाम की राय क्या है और वो क्या कहते हैं इस बारे में हाल है अल्लाह का शुक्र नाम बताएं उसामा अच्छा उसामा पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होने जा रहा है कैसा लगेगा कौन जीतता है हमें तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा बिल्कुल 1992 वाला हिसाब किताब चल रहा है मेरी तो बिल्कुल उम्मीद है ऐसा बस मेरी मन अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान जीतेगा जी बिल्कुल क्या लगता है किससे एक्सपेक्टेशन है कौन अच्छा खेलेगा हारिस है हारिस बस हारिस है हारिस और बाबर रिजवान चल गए और नारिस से ज्यादा चल गए और नारिस से ज्यादा अच्छा इंडिया के लिए कोई दो लफ्ज बस जो जितना उड़ लेते वो क्या जीत गए तुम्हारे हाँ हम जीत गए तुम्हारे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर क्या नाम है बेटा अब्दुल हादी कैसे हो ठीक हूँ अब्दुल हादी पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच हो रहा है जीतेगा इंग्लैंड जीत जाएगा क्यों ऐसा क्यों इंग्लैंड अच्छा खेलते हैं बाकी तो फिर हमारे पाकिस्तानी भी तो बहुत अच्छा खेलते हैं तो वो भी जीत सकते हैं जो अच्छी शुरुआत करेगा आपकी दुआएं किसके साथ पाकिस्तान के साथ इंडिया के लिए क्या कहना चाहोगे वो हार गए बेचारे बस हार गए क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे आप क्या कहना चाहोगे नाम बताओ अब्दुल बारी जी कैसे हो ठीक है अच्छा पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है क्या कहना चाहोगे बेटा पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया के लिए कुछ इंडिया तो बहुत गंदी तरह से हार गया अच्छा अदिल भाई पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है तो क्या लगता है कौन जीतेगा सर हमारी बेस्ट विशेज ओवर पाकिस्तान के साथ ही होंगी जाहिर है और क्या लगता है कौन अच्छा खेलेगा सर पाकिस्तान अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह 92 का वो रिवाइज हो रहा है ना वही सारा कुछ हो रहा है इंडिया के लिए दो लफ्ज जो आप कहना चाहते हैं इंडिया हाय हाय मौका इस्लाम भाई नाम क्या है आपका रहमतुल्लाह खुशाल अच्छा रहमतुल्लाह खुशाल भाई पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच है कैसा लग रहा है कौन जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और कौन अच्छा खेलेगा ये खेलेगा तो मोहम्मद हारिस के फैन हो आप अच्छा इंडिया के लिए दो लफ्ज जो बोलना चाहो इंडिया के लिए क्या कहें इंडिया हार गया जिसने हमें नीचे दिखाया और वो खुद नीचे गिर गया क्या बात है कैसे हो भाई दुआएं आपकी सुना है बहुत अच्छी चाय बनाते हो बेशक दूध पत्ती स्पेशल अच्छा स्पेशल अच्छा पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच है क्या कहना चाहोगे इसके बारे में इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा हाँ। कौन अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह हारिस फेवरेट है तुम्हारा और अपना वो कप्तान साहब जो हमारा है बाबर भाई अच्छा खेलेगा और इंडिया के लिए दो लफ्ज इंडिया तो वो तो मटी हो गया वो तो पीछे रह गया बस नहीं वो बस था कुछ कहना चाहोगे इंडिया को बस इंडिया का जो गरूर करते हैं गरूर नहीं करना चाहिए गेम ही रहना चाहिए क्या बात है क्या नाम है आपका फातिमा अच्छा फातिमा पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच है तो क्या लगता है कौन जीतेगा पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तान की साइड में किस कौन सा खिलाड़ी जो ज्यादा फेवरेट है आपका मैं इतना क्रिकेट देखती नहीं हूँ लेकिन पाकिस्तान जीतेगा पक्की बात है इंडिया के लिए कोई दो लफ्ज बहुत अच्छा खेले लेकिन हार गए पाकिस्तान ठीक ठाक हो तेरे तल्ला अच्छा पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच हो रहा है कौन जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह क्यों जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह वैसे क्या सेमीफाइनल में फाइनल भी जीतेगा इंशाल्लाह कौन अच्छा खेलता है बाबर रिजवान बस दो अच्छा खेलते हैं बस इसके अलावा कोई और इंडिया के लिए कुछ कहना चाहोगे इंडिया के लिए बस कुछ नहीं मेरे पास आप ये बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच हो रहा है क्या लगता है कौन जीतेगा इंशाल्लाह अल्लाह के अगर रजा से पाकिस्तान इज विन द मैच इंशाल्लाह ये कहना चाहूंगा कि मैच होता रहता है इंडिया घर चली गई है इंशाल्लाह किसके अपने घर गई और यो क्रिकेट है गेंद की और बल्ले का ये मुकाबला रोने की बात नहीं है रोना बंद करे पाकिस्तान को निकालना चाहते थे अभी खुद निकल गए इनके साथ यही होना था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नाम क्या आपका बतूल अच्छा बतूल ये बताएं पाकिस्तान और इंग्लैंड में से कौन जीतेगा पाकिस्तान कौन सा फेवरेट प्लेयर है फेवरेट प्लेयर कौन सा है मेरा बाबर आजम है और इंडिया के लिए कोई दो लफ्ज
जीता सही। इंडिया हार गया, मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। पक्की बात है। चलो जी जी नाजरीन, मौजूद है हमारे साथ दो यहाँ पर स्पाइडरमैन पाकिस्तान के, इनसे जानते हैं कि फाइनल कौन जीतेगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो खेला जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताओ, आप बताओ पहले बड़े वाले स्पाइडरमैन के, पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल में कौन जीतेगा? पाकिस्तान ही जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा। और दूसरी बात ये कि सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है आपका? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, लेकिन वो तो नहीं है ना अभी टीम में, कौन खेल रहा है? बाबर रिजवान। बाबर रिजवान ही है। बाबर रिजवान फेवरेट है। और इंडिया के लिए कोई दो लफ्ज बस, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा। गुड। फेवरेट प्लेयर? मेरा बाबर आजम। अच्छा बाबर आजम। मैं तो पहले, सबसे पहले इंडिया वालों को एक जवाब देना चाहूंगा। पहले जवाब, इरफान पठान जो है वो बहुत पोंका पोंका कर रहे थे, तो अब सब कुछ देख लिया उन्होंने कि अल्लाह की कुदरत किस तरह आई और पाकिस्तान फाइनल में आ गया और उनकी जो है वो दिल्ली की टिकट कट गई है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो 92 का जो हिसाब किताब था, जो पहले इमरान खान ने जीता था वर्ल्ड कप, सेम इंशाल्लाह इसी तरह बाबर आजम वर्ल्ड कप वापस लेकर एयरपोर्ट उतरेंगे, लाहौर एयरपोर्ट उतरते हैं या जिस भी एयरपोर्ट, आपने सिर्फ जाना है उनका इस्तकबाल करने के लिए। दो लफ्ज़ इंडिया के लिए। इंडिया के लिए दो लफ्ज़, ये तुम्हारी भूल है कि पाकिस्तान किसी भी मैदान में हार सकता है। पाकिस्तान इस कलमे की बुनियाद पे बना है तो इंशाल्लाह हर जगह फतेह हासिल करेगा। जीतेगा पाकिस्तान। कौन जीतेगा? पाकिस्तान। कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान में कौन अच्छा खेलता है? मोहम्मद रिजवान अच्छा खेलता है। इंडिया के लिए कुछ कहना चाहोगे? वो हार गए बेचारे। टाटा। अच्छा चाय वाले भाई, एक एक बात बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच है, क्या लगता है कौन जीतेगा? यार इंशाल्लाह, जैसा उम्मीद तो नहीं था पाकिस्तान का आने का भी, लेकिन अभी फाइनल तक आ गया तो उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह जीत भी जाए। इंशाल्लाह जीत जाएगा। इंशाल्लाह जीत। इंडिया के लिए दो लफ्ज जो कहना चाहते हैं? बस इंडिया वाला विजय गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे, गुजारा कर रहे हैं हमारे लिए। ये तो नॉर्मल है बस। अच्छा, आपने सुना है कि आपने पाकिस्तान के जीतने पर ऐलान किया, किस चीज़ का ऐलान किया बताएंगे? बस क्या मतलब, आप चाय नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है? मिसाल चाय तो हम दे देंगे, चाय तो वैसे भी दे देंगे, हम भी आ जाएंगे। हाँ चाय तो वैसे भी दे देंगे, चाय कोई खास बात नहीं है, लेकिन भाई ने बोला था कि कढ़ाई। कढ़ाई? हाँ। लेकिन चलो फिर एक नारा हो जाए, जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद। 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 जी नाजरीन, आपने आवाम की राय तो जान ली, देख ली कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। मुझे देंगे इजाजत कैमरामैन महबूब मल्ला के साथ, आमिर शाह, सच एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।